हेलो एवरीवन वेलकम बैक तो हमने बहुत सारे सेशंस में शॉर्ट वीडियोस में से आपको सारा मार्जिनल कॉस्टिंग का कंसेप्ट बता दिया सारे फॉर्मूलाज हमारे रिवाइज हो चुके तो अब तक हमने पीवीआर पढ़ लिया अब तक हमने ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ लिया अब तक हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी पढ़ लिया तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है उसमें हम क्या करेंगे दो फॉर्मूलाज को एक साथ रिवाइज करेंगे ताकि आज के सेशन में आपका पूरा का पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग का कंसेप्ट जो है फॉर्मूलाज है वो रिवाइज हो पाए तो आज हम डिस्कस करेंगे दो चीजों के बारे में पहला है कि आपको प्रॉफिट ढूंढना है अगर आपके क्वेश्चन में सेल्स दिया है मतलब कैसा क्वेश्चन आता है कैलकुलेट प्रॉफिट इफ सेल्स इज वन लैक कैलकुलेट प्रॉफिट इफ सेल्स इज सेन लैक्स दैट मीन्स यू नीड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट इफ सेल्स इज गिवन इन द क्वेश्चन वेरी सिंपल फॉर्मूला ट्राई टू रिमेंबर दिस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवीआर माइनस फिक्स कॉस्ट आई रिपीट अगेन प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवीआर माइनस फिक्स कॉस्ट हम सेल्स को लेंगे हम सेल्स को पीवीआर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से हम फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे इट्स वेरी सिंपल प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स इनटू पीवीआर माइनस फिक्स कॉस्ट ये आपको प्रॉफिट ढूंढना है अगर आपके क्वेश्चन में सेल्स दिया है फिर और एक फॉर्मूला आता है आपको सेल्स ढूंढना है तो उसको कोई कोई क्या कहता है रिक्वायर्ड सेल्स ढूंढो उसको कोई कहता है डिजायर्ड सेल्स ढूंढो दोनों का मतलब सेम है आपको सेल्स ढूंढना है अगर प्रॉफिट दिया है तो उसका फॉर्मूला बनेगा रिक्वायर्ड सेल्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर रिक्वायर्ड सेल्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पीवीआर फिक्स कॉस्ट को लेंगे प्रॉफिट को लेंगे प्लस करेंगे पीवीआर से डिवाइड करेंगे तो आपको रिक्वायर्ड सेल्स आएगा यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है पेपर में कि वो क्या करते हैं रिक्वायर्ड सेल ढूंढने को बोलते हैं लेकिन बोलते हैं नंबर ऑफ यूनिट ढूंढो तो नंबर ऑफ यूनिट ढूंढो तो मैंने आपको एक सिंपल चीज बता के रखी है जहां पे भी नंबर ऑफ यूनिट्स ढूंढने बोलेंगे पीवीआर को निकाल के फेंको और वहां पे लिखो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जहां पे भी पीवीआर आएगा वहां पे आंसर रुपीज में आएगा जहां पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा वहां पे आंसर यूनिट्स में आएगा दैट्स इट ये सीरीज आपको कैसी लगी आपका एक वैल्यूएबल कमेंट देके देना उसमें मुझे मोटिवेशन मिलता है और अगर आपका कमेंट आएगा तो इसी तरीके से आपको बाकी की भी सीरीज प्रोवाइड करूंगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग सारे के सारे टॉपिक्स जो आपके सिली मिस्टेक्स होते हैं वो उसके ऊपर हम स्टार्टिंग से ही काम करना स्टार्ट करेंगे थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू बाय बाय